Hey guys, welcome back to Hey Vlog. कैसे हैं आप? अरसा हो गया किस चीज को? हमारी व्लॉगिंग को जी. आज हम निकले हैं अपने सफर के लिए, क्योंकि आप लोगों को घुमाना लाजमी है अगर चैनल है तो. नहीं, पर हमें यहाँ पे आया हुआ भी बहुत अरसा हो गया, तो हमने सोचा जब एंट्री मार ही रहे हैं तो क्यों ना किसी अच्छे टॉपिक पे मारे. तो आप चलिए हमारे साथ यहाँ पर. वो हम नहीं बताएंगे, हमारी कैमरा बताएगी. एक्चुअली बात ये है कि सुस्ती हमारे अंदर आ गई, आज उस सुस्ती को हमने खत्म कर दिया. क्या बात है, बात बात बात. अगर आप सुबह उठो और आपको भूख लगे, फिर मतलब आप पक्के ही इंसान हो. तो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग. आज मतलब मेरा और अविनाश का, लेकिन अभी जो है ना पूरा दिन हम बहुत बिजी थे, इसीलिए हमने व्लॉग शुरू नहीं किया. लेकिन अभी हमें थोड़ा टाइम मिला है, तो अभी और कैमरा भी टूटी हुई है वो आपके सामने उधर, लेकिन खैर आज हम फोन से ही व्लॉग को शूट करेंगे. तो चलिए फिर व्लॉग को शुरू करते हैं. सर भाईजान कैसे हैं? स्वागत है आपका, ये लगभग आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में. अभी हम बैठे हुए हैं ऐसे पूल में जिसमें सिर्फ मट्टी भरी हुई है. एनी व्लॉग, एनी व्लॉग, एनी व्लॉग. और हम डुबकियां मार रहे हैं. और हमारे साथ भी कई लोग आए हुए हैं जो हमारे 22 बंदे हैं जिसका बजटिंग हमने की है. ये भी हमारा बड़ा फैन है, इसको भी हम आज घसीट के लेके आए. तो इसको हमने फ्री में जगह दी है, इसीलिए हम आपको बहुत फैन, उसके लिए इसीलिए हम बुला हुआ है. मौजूद ख्वातीनों हज़रात, हमने अपने दोस्तों को उठा लिया. भाई साहब आपके क्या हाल है? सब ठीक ठाक, आप बताओ क्या हाल है? अभी आप पेपर से फारिग हुए, एग्जाम हुए नहीं? तो पेपर हुए नहीं, हमारे पेपर पोस्टपोन हो गए. तो अभी फारिग हुए, आपको क्या खुशी महसूस हो रही है? खुशी है, गम ही गम है हमें. ये एक आनंद सब पे बारी. हरियाली पे आपने पेकना निकाली तो किया क्या मेरे भाई? हाँ, तो वेलकम टू आवर विलेज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं. तो आराम करेंगे, फिर आपको गांव की सैर करवाएंगे. अभी हम नीचे गए, सबसे मिले और उसके बाद फिर हम ऊपर आए. दादा आपको नहीं दिखानी थी क्योंकि वी आर शाय. खाने के इतनी भूख लगी थी, तूने वीडियो भी नहीं बनाई. क्या करें, भूख हमेशा ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों. अब खाएंगे, अभी खा लिए खाना वाना. सुबह से निकले हुए थे 11 बजे,
जल्दी खाएं। अब हम आपको दिखाएंगे बाहर का सफर। तो गाइस अभी हम उतरे हैं एक जगह पे और हमने सोचा थोड़ा आपको घुमाते लेके चलें। और अभी ये बच्चों की तरह जिद कर रहा है मेरी तस्वीर निकाल। दो मिनट इनको मैं घुमा के आ रहा हूँ, फिर तेरी तस्वीर निकालूँ। क्या ले भाईजान, या उसको थोड़ा अक्ल दो, उसको फोटो खिंचानी है। हाँ थोड़ा काका अरे लगता है भैया। हज़रात, अगर अब आप हमारे रोज़ाना के ग्राहक हैं तो आपको पता होगा कि पिछली बार हमने आपसे कोई किसी चीज़ का वादा किया था, इस बार भी वो चीज़ बंद है, तो हमारा फिर से धोखा हो गया। लास्ट टाइम हम जहाँ पर आए थे ना, वहाँ पर हम दोबारा आए और वो हम आपको दिखा देंगे हम कहाँ पर आए। तो लास्ट टाइम थी वो वाली दरगाह बंद और हमने आपको ये वाली दरगाह दिखाई थी, लेकिन आज हम आपको वो दिखाने आए तो पता चला कि वो भी बंद है दोबारा। सीन हो गया, मौसम असीन हो गया। तो दोस्तों मैं इस वाली जगह की बात कर रहा था, यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे थे लेकिन वो भी बंद है, तो हमने यहाँ लगा दिए। सोचा कि 50% भी मार्क्स स्कोर करें वो भी नहीं कर पाए। तो गाइस अभी जो है ना, हम आम के बाग में आए हुए हैं। आम का मौसम चल रहा है तो आम की पेटियाँ उठानी है और रिश्तेदारों में बांटनी है। वो पीछे देख लें, हर आम के सीज़न में जो है ना रिश्तेदारों में ये आम बांटे जाते हैं हमारे यहाँ, और हमारे पीछे आम का पेड़ लिया। अभी इसकी भी पिक लेनी चाहिए तो पिक लेंगे, पिक के दीवाने। पिक को छोड़ो, तो अभी जो है ना हम पहले सारे आम उठाएंगे, उनको गाड़ियों में रखवाएंगे, उसके बाद फिर जो है ना हम कहाँ जाएंगे वो आपको नहीं बताएंगे, आपको जाना पड़ेगा। चलो सही है। तो जी ये हम हैं, ये आम के दरख्त हैं और यहाँ पर बातें शातें हो रही हैं। आओ वी आर ट्रेवलिंग इन बाग। तो पहली बार मैं मतलब इन जगहों पे गाड़ी लेके आया हूँ और अभी हमने पूरी सारी अभिनय पीछे दिखाओ आम की पेटियाँ ले लिए, नहीं बस अभी हम जा रहे हैं और फिर आगे आपको चलते दिखा दें। हज़रात असल में जिस चीज का आपको हमने इंतजार करवाया उस चीज पर हम आ गए, उस चीज का नहीं। बेसिकली ये हमने सोचा था हम पूरा काम निपटा के और आखिर में जो है ना इसको आके सुकून से खाएंगे, और वो हमने पिछली वाली व्लॉग में भी आपको दिखाया था, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वो हम यहाँ पर आए। हमारी कुल्फी आइसक्रीम, इस आइसक्रीम पे हम पहले भी आपको लेकर गए हैं और दोबारा से हमारा मन किया इस आइसक्रीम को खाने के लिए, क्योंकि इसका स्वाद ही अलग है, मतलब यूनिक चीज़ है, उसको खाना तो लाजमी है। खातिन हज़रात इसी तरह से आज का जो है ना हम व्लॉग यहीं पर इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाल्लाह अब आने वाले व्लॉग्स में थोड़ा सुस्ती नहीं करेंगे, सही है ना, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, मतलब आपकी दुआएं चाहिए। तो तब तक आप जब आपने यहाँ तक आ ही गए हो तो इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दो। अब तक के लिए आप खुद खुश रहें और अपने फैमिलियों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए और टीवी पे व्लॉग्स को देखते रहें।